Statutory warning. Cigarette smoking is injurious to health. वैधानिक चेतावनी. धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है. छोटा औजार, ये एक लावारिस लड़के की कहानी है। अगर ये लड़का किसी काबिल आदमी के हाथ लग जाता है तो काबिल बन जाता है, अगर किसी मुजरिम के हाथ लग जाए तो ये समाज के लिए भी खतरा बन सकता है। और ये त्रिपाठी साहब हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ब्रिजेस बनाना इनका पेशा है। सिर्फ इन्हें पैसे से प्यार है, इंसानों से नहीं। ये जॉन है, एक ऑफर मटरिस्ट। पैसा लेकर किसी को भी डाल देना इसका पेशा है। लेकिन इस बार बासा पलट गया। जॉन सावन से सुपारी लेकर किसी को मारने जा ही रहा था कि रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, और पैसा वापस लेने के लिए सावन और उसके आदमी जॉन के पीछे पड़े हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जॉन, सावन साहब तुम्हें बुला रहे हैं। नमस्ते सावन सेठ। क्या बात है जॉन, 6 महीने से मुलाकात नहीं हुई। कुछ टाइम ठीक नहीं चल रहा सेठ, एक्सीडेंट में एक टांग गवा बैठा हूँ। एक टांग से पुलिस से बसता फिर रहा हूँ सेठ, घर भी इस टूटी टांग की तरह टूटा फूटा लिया हूँ ताकि किसी को शक ना हो। जॉन, लाइफ में जब तक सांस चलती है प्रॉब्लम तो चलते ही रहते हैं। बोल, तेरा अभी प्रॉब्लम खत्म कर दूँ क्या? मैं आपका मतलब समझ गया सेठ।
कुछ वक्त दो मुझे। जॉन, तू क्या मेरा काम करेगा? तू इस काबिल नहीं है कि अपना खुद का काम कर सके। मेरे पैसे वापस दे दे, वरना पैसा वापस नहीं हो सकता सेठ। कोई और काम हो करवा लो मुझसे। ज्यादा होशियारी मत कर जॉन। जैसे तुझे पैसे देकर किसी और का काम करवा रहा था, वैसे ही किसी और को पैसे देकर तेरा काम करवा दूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। बालर छोड़ो सावन सेठ, जॉन से काम लेने वाले इस तरह से काम लिया नहीं करते। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गया ना? वरना नहीं तो जॉन को बोला सावन का पैसा लौटा दे। बहुत समझाया लेकिन उसकी खोपड़ी में बैठते ही नहीं। क्या करेगा अपन? ए, सावन साहब आ गए। क्या हुआ, जॉन का पता चला? सावन साहब, जॉन का कुछ पता नहीं चला। 3 महीने हो गए, साला जॉन मुझे हक पे लेता है। तुम लोगों को मैंने एक छोटा सा काम दिया था, तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। सावन साहब, हमने जॉन को बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। लानत है तुम लोगों पर। सावन साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ ढूंढो उसे, मिलते ही खत्म कर दो साले को। जाओ। ए, रुको सावन, ये तू क्या कर रहा है यार? जॉन से हम कोई और काम करवा लेंगे। मदन, अब वो मेरे कोई काम का नहीं रहा। उसकी जिंदगी एक लंगड़े घोड़े की तरह हो गई है। लंगड़े घोड़े से काम नहीं लिया करते, उसे तो गोली मार देते, समझा? मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती सावन। वक्त पर किसी से काम लेना और धुतकार देना। तुझे मेरे साथ काम करना है या नहीं? सोचूंगा सावन। तुम लोग क्या देख रहे हो? चौक ठोक दो साले को। चल रहे। ए, तेरा बाप किधर है रे? हॉस्पिटल में। क्या? हॉस्पिटल में है। 1 महीने से हफ्ता बाकी है, तेरे बाप को कह दे देने के लिए, नहीं तो खल्लास। सुन लिया बुढ़ाओ? ए, बता जॉन किधर है? वो तो नहीं है, लेकिन उसका दोस्त उधर है। इधर? वो उधर। ए, आला रुक। को चिल्ला रहा है? सावन के आदमी घोड़ा लेकर मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। 3 महीने पहले बोला था मैंने, उसके पैसे लौटा दे यार, लौटा दे। मगर तेरे भेजे में ये बात उतरी नहीं। तेरी तरफ से अपन की भी जिंदगी लफड़े में पड़ गई, मालूम? तू क्यों घबरा रहा है? अरे उसका हिसाब कर देता हूँ कल, समझा? मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ, वो क्या कर लेगा मेरा? मैं तो बच गया, वो तुझे ठोक देंगे। बोला ना उसका पैसा लौटा दूंगा। पक्का ना? चल तू जा। हाँ? लौटा दूंगा। लौटा देना। चल अभी निकल। मैं निकलता हूँ। हाँ?
क्या कर रहा है? इस जगह तो कुत्ते और बिल्लियां हड्डी के लिए आते हैं। तू इंसान का बच्चा लगता है मगर इंसान का बच्चा नहीं है। अरे इंसान तो क्या जानवर की औलाद भी हो नहीं सकता, क्योंकि जानवर सड़कों पर बेशर्मी करते हैं, सड़कों पर बच्चे पैदा करते हैं, मगर सड़कों और कचरों में अपने बच्चों को फेंका नहीं करते। तू क्यों अपना मुंह छुपा रहा है? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिसने तुझे कचरे में फेंका है। चल तुझे मैं एक ऐसा औजार बनाऊंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। चल तुझे मैं पालूंगा, तेरे स्कूल जैसे जिस्म को कोई मैका लाल मसल नहीं सकता। मैं तुझे फौलाद बनाऊंगा, फौलाद। ये लो बाबा पैसा। बाबा एक 10 रुपया दो ना। पैसा मांगने का नहीं, समझा ना? लाते रहना, देते रहना। चल घर चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। न्यूज चले गई? जी हाँ सर। ओके, कोई आए तो कैबिन में भेज दो। जी अच्छा सर। गुड मॉर्निंग शेखर साहब। गुड मॉर्निंग यूसुफ खान साहब। थैंक यू। और कहिए कैसा चल रहा है? सर कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं उन्हें कैबिन में भेज दूं। श्योर, भेजा दीजिए। ओके, मैं भेज रहा हूँ। ओके। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बैठिए ना। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो हम आपकी करना चाहते हैं, अगर आप मौका दें तो। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ही समझाने के लिए तो हमें यहाँ देवो भाई ने भेजा है। कौन देवो भाई? शेखर साहब लगता है आप मजाक कर रहे हैं। वही देवो भाई जिसका लड़का रेप केस में अरेस्ट हुआ है। देवू भाई ये चाहते हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर के जरिए आवाम को ये समझाइए कि गलती उसी लड़की की थी, उनका लड़का भी बरी हो जाएगा। फिर देवू भाई को इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और इस छोटे से काम के लिए देवू भाई कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। एक्सक्यूज मी। यूसुफ खान को अंदर भेज दो। ओके। सर आपने मुझे बुलाया? यूसुफ खान, हमारे पास किसी देवू भाई लीडर के लड़के की कोई न्यूज है? जी हाँ सर। क्या किया है उसने? सर उसने एक 14 साल की लड़की का रेप किया है। यूसुफ खान। जी सर। इस न्यूज में ये भी लिख देना कि उस लड़के का कोई दोष नहीं। दोष तो उसके बाप का है जिसने अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दी, और ऐसा आदमी इलेक्शन लड़कर एक लीडर बनना चाहता है। जो आदमी अपनी औलाद को नहीं संभाल सकता तो इस देश की सारी जनता को क्या तालीम दे सकता है? ये जरूर लिखना। शेखर साहब अगर देवू भाई को पता चलेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे देवू भाई से कह देना वो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, अपने बेटे का केस लड़ते लड़ते ही उनकी उम्र निकल जाएगी। अगर 2 मिनट में तुम दोनों यहां से नहीं निकले तो मैं तुम्हें दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। और मैंने तुम दोनों का इंतजाम
चार ड्राइवर वाली गाड़ी में करवा दिया है। चलो यहाँ से उठो। शेखर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर देवू भाई को पता चलेगा ना, गेट आउट। चलो यहाँ से। बाबू, अरे साहब, आप तो हैदराबादी इंग्लिश पिक्चर का हीरो है साहब। क्या फिल्म थी साहब आपकी? साहब अपुन को भी पिक्चर में लो ना, अपुन भी एक बहुत अच्छा एक्टर है साहब। पिक्चर में काम करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत पड़ती है बेटा। वैसे भी मैं बच्चों के ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं जरूर लूंगा बेटे। ठीक है, चलता हूँ। अपुन समझ गया साहब। ओके, अपुन भी बहुत मेहनत करेगा, अपुन भी बड़ा होकर तुम्हारे तरह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप देखना साहब। जरूर जरूर। माल दिख रहा है इसके पास, क्या बोलता है? चल देखते हैं। चल चल, क्या रे पैसा किधर चला है? चल दे दे इधर। किधर से लाया रे इतना पैसा? चल छीन लिए। जान सबके पैसे छीनता है। जान के बच्चे से पैसे छीना है? किसने छीना है? वो टपोरी लोग ने। कौन है वो टपोरी लोग? पता नहीं बाबा कौन थे। सारे पैसे गवा कर आ गया। पता आज खाना क्या तेरा बाप खिलाएगा और अपन पिएगा क्या? पैसे? ब्रिज के मलबे से 160 लाशें निकली हैं। हादसा त्रिपाठी की लापरवाही से हुआ है। गवर्नमेंट लॉस पूरा नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे कहां से आ गए ये लोग? अरे मदन, कौन भिजवाया इन लोगों को? त्रिपाठी साहब, ये ब्रिज गिरा कैसे? क्या सीमेंट में कुछ मिलावट थी? आपको इसका जवाब अभी देना पड़ेगा। देखिए, आपके इन बेहुदा सवालों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, समझे? ये बेहुदा सवाल नहीं है, ब्रिज के गिरने से 200 लोग मर चुके हैं। मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों से बात नहीं करना चाह रहा था। मदन, बाहर निकालो इन्हें। नहीं रहेंगे त्रिपाठी साहब, ये जो हुआ है आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ जाओ, जो करना है कर लो। हेलो, एक मिनट, मिस्टर यूसुफ खान वहाँ हैं? थैंक यू। तो ये वही पेपर हैं? जी हाँ सर। चलो हम अब यहाँ से चलते हैं,
क्यों? थोड़ा सा काम है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दिन भर में भी मैं नहीं कर पाता हूँ। चलो चलते हैं। शेखर आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। क्या करूं यार, काम इतने होते हैं कि मैं कहीं पर भी वक्त पर नहीं पहुंच सकता। शेखर साहब, मैं इस यकीन से आपके साथ हूं कि एक ना एक दिन मॉर्निंग स्टार पेपर के जरिए आपके कारनामे सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। चल, हाँ तू ही मेरे लिए सबसे बड़ा पेपर है। सर, अपनी सिंगापुर की मीटिंग का क्या हुआ? वहाँ की मीटिंग तो बहुत सक्सेसफुल थी। अच्छा, यूसुफ खान जी, अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मेरा सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन मैं इस देश के गद्दारों के चेहरे से शराफत का नकाब उतार दूंगा। अगर आप जैसे जर्नलिस्ट मेरे साथ रहें तो मैं प्रेस मीडिया की जिम्मेदारी पूरी कर सकूंगा। त्रिपाठी साहब, शेखर। चलो। कैसे हो मिस्टर शेखर? मैं तो ठीक हूँ त्रिपाठी साहब, आप अपनी कहिए। आप जिस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे शायद वो नहीं मिला। हाँ, आप उसकी फिक्र मत कीजिए शेखर साहब, वो मेरा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर आपका होता तो ठीक था, लेकिन ये प्रॉब्लम मासूम जनता का है। आप ही के बनाए हुए ब्रिज ने 200 मासूम लोगों की जाने ले ली। मिस्टर शेखर, आप बेकार में अपना खून जला रहे हैं। वो एक हादसा था, उसे इत्तफाकी हादसा समझकर भूल जाइए। मगर मैं नहीं भूल सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने पेपर में फिल्मी कॉलम और गीत लिखकर अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो देश के गद्दारों की तलाश करते रहता हूँ। और आप जैसे मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुँचाना मैं अपना पेशा समझता हूँ। आप बेकार की बातें कर रहे हैं मिस्टर शेखर, आप एक जर्नलिस्ट है, उससे आपका क्या लेना देना? चलो। मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन आपने यूसुफ खान को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया था। आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं मिस्टर शेखर। मैंने कह दिया ना, उस रोज मैं बिजी था। आप ही ने समझाइए यूसुफ खान साहब, लोग जंगों और फसादों में मरने वालों को भूल जाते हैं और ये अभी तक जो है 200 आदमी का मरने का शोक मना रहे हैं। ये करे भी तो क्या करे त्रिपाठी साहब, क्योंकि आपकी बातें इन्हें सुनाई नहीं देती। हर वक्त इनके कानों में उन बेबस और लाचार इंसानों की चीखें और गूंजें हमेशा इनके कानों में गूंजती रहती, जिनके माँ बाप, भाई बहन और मासूम बच्चों को आपके इस छोटे से हादसे ने हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। आप लोगों ने बहुत बोल लिया, अगर यही रवैया आपका रहा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मिस्टर शेखर, आप मेरे मामले के बीच में मत आइए। सुनिए त्रिपाठी साहब, मेरा तो ये काम ही है कि आप जैसे मुजरिमों की तलाश करना। अगर मैं अपनी सेहत को देखता तो शायद ज्यादा हैंडसम होता। जा सकते हैं आप। जाइए। देखा मदन इसके तेवर, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ए मुन्ना, ए मुन्ना। हाँ बाबा। सुनाई नहीं देता क्या? कहाँ था जब से? यहीं तो था बाबा। जा मेरे लिए खाना ले गया। कितने प्लेट बाबा? 10 प्लेट खाता हूँ मैं, एक प्लेट ले गया। चल क्या देखता है जा। बाबा मेरा खाना। रोज बताना पड़ेगा क्या तेरा खाना? चल अपना खाना लेके आ ले।
आपका नाम क्या है? डॉली। कहाँ रहते हैं आप? पास की कॉलोनी में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? यही पैरामाउंट स्कूल में पढ़ती हूँ। चॉकलेट चाहिए बेटा तुम्हारे को? एक काम करो, उधर मामा को देखो। बाबा ये वही लोग हैं जिसने मुझसे पैसे छीने थे। इनकी तो मैं ठहरो बाबा। बच्चे बच्चे मामा की बात सुनते हैं। बेटो बेटे लड़की को छोड़ दो। ये तो वही लौंडा है कल वाला जिसके अपन पैसे छीने थे, जा फिर छीन ले। अच्छा तो ये खुद आया अपने पास, चल देखते हैं। इसे कहते हैं पत्थर का जिगर, ये है मेरे काम की चीज। चल निकल, चलो। शाबाश बेटा, ये लड़की कौन है? पता नहीं बाबा, वो लोग इसके झुमके उतार रहे थे। मैं इसे घर छोड़ाऊं बाबा? हाँ छोड़ के आ जा। रुको, पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम मुन्ना है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डॉली है। डॉली तुम्हारा घर कहाँ है? यही पास में, चलो ना। मुन्ना तुम अंदर नहीं चलोगे? डॉली तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेगी। मम्मी कुछ नहीं कहेगी। नहीं डॉली, फिर कभी आऊंगा। डॉली क्या हुआ? डॉली कहाँ थी तुम? क्या हुआ डॉली, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी वो आदमी मेरे ईयरिंग उतार रहे थे। कौन थे वो लोग? मम्मी मैं खेल रही थी, वो लोग मुझे गार्डन ले गए और इतने में नाम मुन्ना आ गया। मुन्ना? बेटा ये मुन्ना कौन है? मम्मी वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे गुंडों से बचाया। इसलिए मैं कहती हूँ बाहर मत खेला करो, अगर पापा को पता चला ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हमारे नए फैक्ट्री के डिटेल्स हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिससे हमें 200 करोड़ की इनकम के चांसेस है? हमारी कोशिश जारी है, मगर एडवोकेट वगैरह हमारे खिलाफ केस लड़ रहे हैं और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो हारना नहीं जानते। वो हारना नहीं जानता और हमें जीतने की आदत है। आप वागरे साहब से बात करके देखिए सर, शायद कोई काम बन जाए। ठीक है, तुम वागरे को फोन लगाओ। लीजिए सर, बात कीजिए।
जी हाँ, मैं वाघरे साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं त्रिपाठी बोल रहा हूँ, वाघरे साहब को फोन दो। सर आपके लिए त्रिपाठी साहब का फोन है। हेलो, नमस्ते वकील साहब। नमस्ते, कैसे हो वकील साहब? भगवान की दया से ठीक हूँ। हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं वकील साहब, अगर आप चाहें तो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमसे लड़ने के बजाय आप हमसे हाथ मिला लीजिए। उस आदमी से कैसे हाथ मिलाऊंगा जो देश का गद्दार है, जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। वकील साहब, मैं एक बिल्डर हूँ। मुझे खातिर क्यों समझते हैं? इसीलिए कि तुम्हारी लापरवाही और खुद गर्जी की वजह से वो हादसा हुआ था। वकील साहब, आप मुझे गलत मत समझिए, थोड़ी बहुत मिलावट तो हर चीज में होती है। आप अगर इस केस से हट जाएं, यकीन मानिए तो मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं अकेला कोई भी चीज को हजम नहीं करता। और आपका भी फायदा हो जाएगा। मैं अपने फायदे की नहीं, तुम्हारे लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की सोच रहा हूँ। और हाँ, आइंदा फिर मुझे दोबारा फोन मत करना। मिली फाइल? हाँ लीजिए सर, मिल गई। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सर वाघरे बहुत उसूल पसंद वकील है। ऐसे आदमी को किसी मंदिर का पुजारी या मस्जिद का इमाम होना चाहिए था। ना तो हमें उससे कुछ नुकसान पहुंचता, ना उसकी जान को कोई खतरा होता। क्या है डॉली, ये डेली तुम होमवर्क क्यों नहीं करती? कल से तुमने टाइम पे होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। मुन्ना। कौन कौन है वहाँ? यहाँ आओ। डॉली, ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ मम्मी, इसी ने मुझे गुंडों से बचाया था। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। मुन्ना, तुमने डॉली की जान बचाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। मुन्ना, क्या तुम स्कूल जाते हो? मुन्ना बैठो। अरे वाह, नहीं आ बैठो। मुन्ना, मैं एक बात पूछूं, बताओगे ना? पूछिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं। क्या, फिर तुम्हारा घर कैसे चलता है? तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती? माँ होगी तो कहेगी ना। मतलब? मैंने आँख खोला तो सिर्फ बाबा को ही देखा। बाबा ने माँ के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। तुम्हारी माँ नहीं है? और तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? एक बार बाबा काम के लिए गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक पैर से मासूर हो गए, इसीलिए मुझे ही काम करना पड़ता है। तुम क्या काम करते हो? लोगों की गाड़ियां धोकर मेरा और मेरे बाबा का पेट भर जाता है। मुन्ना, एक बात बताओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, पढ़ोगे ना? हाय डॉली। हाय सीमा। अच्छा तो पढ़ाई चल रही है। ये लड़का कौन है? शेखर, ये मुन्ना है। इसी लड़के ने डॉली की जान बचाई थी। अच्छा तो ये मुन्ना है। मुन्ना, तुम पढ़ाई करते हो? जी नहीं। अच्छा मुन्ना, तुम पढ़ोगे? जी। हम तुम्हें पढ़ाएंगे, आंटी तुम्हें पढ़ाएगी, ठीक है? सीमा, इस लड़के को पढ़ाओ, इस लड़के ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। चलो मैं रेडी होता हूँ, मुझे जल्दी मीटिंग में जाना है।
सूट निकालो बेटा, तुम रोज पढ़ाई करना यहाँ। हाँ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके। त्रिपाठी साहब नमस्ते, आपने मुझे याद किया। मदन, तुम तो जानते हो मैं कितना परेशान हूँ। पहले तो ब्रिज का गिरना और दूसरा ये एडवोकेट वागरे। त्रिपाठी साहब आप हुक्म करिए। नहीं मदन, तुम मेरे पुराने आदमी हो, ये काम तुम नहीं करोगे। कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो ये काम कर सकता हो। ठीक है त्रिपाठी साहब, मैं कोई ना कोई आदमी ढूंढ लूंगा, आप फिक्र मत करिए, चलता हूँ। ठीक है जाओ। वागरे साहब, मैं देख रहा हूँ आप इस केस में बहुत परेशान हैं, क्या बात है? इस केस के लिए मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन गरीबों का भी तो हक है। त्रिपाठी मुझे रिश्वत देना चाहता है, उसे पता नहीं किससे पाला पड़ा है। अब मैं बताऊंगा अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वो हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील भी ठहरा करे तो मैं ये केस जीत कर बताऊंगा। जॉन, मैं जानता हूं तुम वही जॉन हो जिसने सावन का मर्डर किया था। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। कौन सावन? मैं किसी सावन को नहीं जानता। जॉन मुझे अपना दोस्त समझो। तुम भी तो सावन के दोस्त थे। सावन का दोस्त था मैं, लेकिन उससे मेरी दुश्मनी हो गई, इसलिए मैं अभी दूसरे सेठ के पास नौकरी कर रहा हूं। तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो जॉन, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। कौन सा काम? वही काम जो तुम करते आए हो। तुम चाहो तो तुम्हें इस काम की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है जॉन। काम क्या है? किसी का खून करना है। कीमत मेरी मर्जी की। तुम जो चाहो मिलेगी जॉन। डन। जी
जिनके काले करतूतों ने मचा दिया अंधे, खात्मा कर देगा उनका ये धन्ना सा हथियार। छोटा औजार धन्ना है हथियार, छोटा औजार धन्ना है हथियार। हाय जॉन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था ये काम तुम ही करोगे जॉन। चलो मैं तुम्हें त्रिपाठी सेठ से मिलाता हूँ। त्रिपाठी साहब, ये एरिया कितने एकड़ों पे है? एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन 50 एकड़ का प्लान है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक फ्लाईओवर आएगा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। यही जॉन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते साहब। आओ जॉन, बैठो। मदन, तुम जानते हो ये काम कितना खतरनाक है। जॉन कैसे करेगा, ये तो खुद अपाइज है। सेठ, मैं जानता हूं जॉन ये काम कर लेगा, मगर कैसे? साहब, अगर ये कमजोर लकड़ी का टुकड़ा जॉन का वजन उठा सकता है तो फिर जॉन अपनी जिम्मेदारी का बोझ क्यों नहीं उठा सकता है? त्रिपाठी साहब, आदमी बहुत चालाक और दिलचस्प मालूम होता है। साहब, आदमी का हाथ या पैर टूट जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो जाता है जब उसकी हिम्मत टूट जाती है। तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया होगा। आपके खिलाफ उठने वाली आवाज को हमेशा के लिए बंद करना है, और वो आवाज बहुत ऊंची है। सब उसे दबाने के लिए भारी अमाउंट चाहिए। इस काम के कितने रुपये लोगे जॉन? 5 लाख। ठीक है। मुन्ना, देख वहां कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, देख रहा है ना? हाँ। इनमें रहने वाले लोगों को सब इज्जत देते हैं। तुझे पता है इनके बच्चे शहर के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या तू नहीं चाहता ऐसी जिंदगी हम भी गुजारें? क्या बाबा, मैं भी डॉली की तरह कार में स्कूल जा सकता हूँ? मगर बाबा, हम तो गरीब हैं, हमारे पास कार कैसे आएगी? मुन्ना, मैं तुझे ऐसी लाइफ देना चाहता हूँ सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ये ले, जरा सा इसे उंगली से दबा दे, अपने हाथ में दौलत ही दौलत होगी, पकड़। लेकिन बाबा, गोली चलेगी तो किसी का खून हो जाएगा ना? किसी का नहीं, उस वकील का। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ तेरा बाबा है।
जाओ आनंद को बुलाओ। वागरे साहब के लिए 10-15 फोन आए। मैं वागरे साहब का ही इंतजार कर रहा था। वागरे साहब, खून, खून, खून! बाबा, बाबा! शाबाश मुन्ना, शाबाश। रोना नहीं, कमजोर लोग रोते हैं ना। तुझे फौलाद बनना है, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा बड़े से बड़े स्कूल में। आज की ताजा खबर एडवोकेट वागरे का कत्ल हो गया। सर, वागरे साहब का पिए आइए। सर, आपने मुझे बुलाया? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आनंद है सर। आनंद, एडवोकेट वागरे के पास तुम कब से काम कर रहे थे? जी, मैं 5 साल से वागरे साहब के पास काम करता था। ये वागरे कैसे आदमी थे? इनके साथ किसी की कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो इतने ईमानदार आदमी थे, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। अच्छा आनंद, ये बताओ तुम्हें किसी पर कोई शक है? नहीं सर, किसी पर शक नहीं। कोई ऐसी बात जिसे वागरे साहब परेशान थे? हाँ सर, याद आया, इस वाक़े से पहले एक फोन आया था ऑफिस पर, पता नहीं क्या बात हुई और वागरे साहब बहुत गुस्से में थे। किसका फोन था? त्रिपाठी साहब का फोन था सर। त्रिपाठी? हाँ सर, त्रिपाठी, जिसके खिलाफ वागरे साहब केस लड़ रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सुनो, और मैं जब बुलाया जब आ जाना। अच्छा सर, ठीक है। सर, आपने गौर किया? इस लड़के ने बातों बातों में एक बात बता रहा। हाँ सुधाकर, तुम भी कहते हो। मदन, मुझे लगता है ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने हाथ से निकल जाएगा। क्यों त्रिपाठी साहब? जिस मिनिस्टर के पास हमारा प्रोजेक्ट गया है वो बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो वागरे के बारे में भी जानता है। ये ईमानदार लोगों से भी बड़ी परेशानी हो जाती है। त्रिपाठी साहब, हर ईमानदार आदमी के साथ एक बेईमान आदमी जरूर होता है। कौन है वो? उसी मिनिस्टर का पीए है, खाने पीने वाला आदमी है, हमारा काम यूं कर देगा। मैं कल ही आपकी मीटिंग फिक्स करा देता हूं उससे। त्रिपाठी साहब। नमस्ते त्रिपाठी साहब। बैठिए। बैठ जाऊं? बैठ जाइए सर, आप भी ट्राई करना था। देखिए सर, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे इतना भारी शूज, मैं कैसे? ले लो, आप भी ले लो। लीजिए सर, पहन के देखिए, पहन के देखिए सर, पहन के देखो। लीजिए सर, मैं इसके लेस खोल लेता हूँ, आप अपना जूता उतारिए, पहन के देखिए। पहनिए सर। ये आ गया साहब, पैक करवा दीजिए इसको। ठीक है साहब, आपके भी पैक कर देता हूँ। और बिल बनवा दीजिए। जी बिल्कुल। और थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल साहब। और कुछ? बस ठीक है। ठीक है साहब,
आउट। अब कुछ काम की बात हो जाए। हाँ सर जी, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है, जो कोई भी चीज के लिए इनकार नहीं करते। थैंक यू, शुक्रिया साहब। तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा, जिससे हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। कौन सा काम है साहब। तुम्हारे जो मिनिस्टर साहब है, हाँ। सिर्फ उनकी एक साइन की जरूरत है। किस कागज पर साहब। बस एक छोटा सा 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 100-200। सर, हमारे मिनिस्टर साहब कुछ अलग टाइप के आदमी हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा सर। इससे तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन त्रिपाठी साहब, ये जूते के डब्बे से क्या होगा। ये जूते का डब्बा नहीं है, तुम्हारे लिए एक तोहफा है हमारी तरफ से। और जाते जाते जूते का डब्बा भी लेते जाइए। जी साहब। सुनिए, इसे घर जाकर खोलना। हाँ हाँ। देखिए ना, एडवोकेट वागरे का क्या हुआ। बड़ा अफसोस है एडवोकेट वागरे की मौत का। वो एक अच्छे और बहुत ही ईमानदार वकील थे। मिनिस्टर साहब, आजकल ईमानदार लोगों की जिंदगी का क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं। इनकी अहमियत और कदर तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स और किताबों में ही अच्छी लगती है। ये मिस्टर वागरे त्रिपाठी के खिलाफ केस लड़ रहे थे ना। जी हाँ सर। कहीं त्रिपाठी वागरे की मौत का जिम्मेदार तो नहीं। शायद हो सकता है। मेरे पास एक फाइल आई है त्रिपाठी की। वो चाहता है कि मैं उसका कोटेशन पास कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं, जब तक एडवोकेट वागरे के खातिल का पता नहीं चल जाता। जी हाँ सर, आप जिस तरह से समझ रहे हैं, पुलिस को भी त्रिपाठी पर ही शक हो रहा है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके। सर, आपने जो इनसे कहा था, जी नमस्ते, जॉब के सिलसिले में आपसे मिलने आए। अच्छा, आपका काम पूरा हो जाएगा, कल आ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कल आ जाइए। जी हाँ। हमारा ख्याल रखिए, समझ गए। जी अच्छी बात। आदाब। सर, 3 दिन से ये फाइल ऐसी ही रखी है, इस पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। जब से ये फाइल आई हुई है त्रिपाठी की, तुम्हारे तो तेवर बदले हुए। सर, त्रिपाठी मेरा कोई नहीं है। जो काम मैं नहीं करता, वो काम तुम नहीं करना, ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज है। जी समझ गए ना। जाओ। यस सर। अदब सर। हेलो। हेलो सर, मैं मिनिस्टर साहब का पीए बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर, वो जो काम दिया था आपने, वो मुझसे नहीं हो सका सर। क्यों, क्या बात हुई। सर, आपकी फाइल देखते ही मिनिस्टर साहब बहुत भड़क गए। हाँ? और उठाकर फेंक दिया। अच्छा। सर, आपने जो इस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे, आप कहे तो लौटा देता हूँ। नहीं नहीं, वो पैसे आपके पास ही रहने दो, मैं देख लेता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके, चलो। मदन, मिनिस्टर साहब के बारे में जॉन को सब बता दिया ना। बता दिया त्रिपाठी साहब, जॉन सिर्फ मौके की तलाश में है। मिनिस्टर के पीए को फोन लगाओ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, क्या हाल है पीए साहब। सब ठीक है साहब, भगवान की कृपा है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ साहब आपका। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी।
वैसे आपके मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? त्रिपाठी साहब, आप तो जानते हैं हमारे मिनिस्टर साहब को तो हमेशा कोई ना कोई काम लगा हुआ ही रहता है। आज भी एक पेशेंट को देखने के लिए केएम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा, क्यों, कोई खास बात है त्रिपाठी साहब? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं जी। अच्छा त्रिपाठी साहब, मदन, जॉन का काम और भी आसान हो गया। मिनिस्टर साहब आज शाम 7:30 बजे एक पेशेंट को देखने केएम हॉस्पिटल जा रहे हैं। समझ गए ना? समझ गया त्रिपाठी साहब। हेलो, मैं मदन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मदन। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। आज शाम 7:30 बजे मिनिस्टर साहब केएम हॉस्पिटल जा रहे हैं एक मरीज को देखने के लिए। काम होशियारी से होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। समझ गए ना? फिक्र मत करो। ठीक है। काम हो गया त्रिपाठी साहब। मैं जॉन पर नजर रखता हूँ, काम होते हैं आपको बता दूंगा। से करना, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। डॉक्टर साहब, सरफराज खान का क्या हाल है? भगवान की कृपा है सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। देखिए, आइए सर। कैसे हो सरफराज खान? अगर सारे मुल्कों में आप जैसे नेताओं का राज हो जाए तो यकीन मानिए हमारे देश में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। ऊपर वाला आपको अच्छा रखे, आप ही की मेहरबानी से आज मैं जिंदा हूँ मिनिस्टर साहब। मेरी मेहरबानी नहीं है सरफराज खान, ये तो हुकूमत का फर्ज और जनता का हक है। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। डॉक्टर साहब, सरफराज का ख्याल रखिए। जी बिल्कुल, आइए।
इज ए बिच। जो होगा देखा जाएगा, और मेरे पास बेकार बातों के लिए टाइम नहीं है। फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। त्रिपाठी साहब, आपने आज का अखबार पढ़ा? क्या खास बात है? क्यों, क्या कोई स्पेशल न्यूज छपी है? मॉर्निंग स्टार न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट शेखर ने आप पे शक जाहिर किया है। उसका कहना है कि आपने ब्रिज की तामीर मिलावटी सीमेंट से की है, जिसकी वजह से वो गिर गया और 200 लोगों की जाने चली गई। और उसने ये भी यकीन से लिखा है, एडवोकेट वागरे और मिनिस्टर के खातिल को आवाम के सामने जल्द से जल्द लाने का वादा किया है। मुझे लगता है जर्नलिस्ट शेखर अब हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ त्रिपाठी साहब, मुझे भी यही लगता है। मदन, हम उसे खरीद ले तो? नहीं त्रिपाठी साहब, जर्नलिस्ट शेखर उन लोगों में से नहीं है जो बिक जाते हैं। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो ठीक है, हम उसे भी उन्हीं देश प्रेमियों के पास पहुंचा देते हैं, जहां पर जाकर उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। इस वक्त मीडिया की नजर हम पर है, क्या ये ठीक होगा? ठीक हो या नहीं, उससे टकराने का अंजाम सिर्फ मौत ही होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हारी दुश्मन। हाँ? बाहर जाते हो तो घर भी भूल जाते हो, और किस किस के फोन आते हैं आपको? फोन तो बहुत आते हैं, लेकिन दुश्मन का फोन पहली बार आया है। अच्छा, तो मैं दुश्मन? मैंने कब कहा, तुम ही तो कह रही हो। घर आ जाओ, बताती हूँ कौन दुश्मन। अच्छा, मुझे मीटिंग में जाना है, एक सूट रेडी कर दोगी प्लीज? ठीक है, लेकिन शाम को घर जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है बाबा,
ओके आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा रखो, मुझे बहुत काम करना है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके। हेलो, उन्हें अंदर भेज दीजिए। मैं कमीन सर। कमीन, सर सर टेक योर सीट्स। थैंक यू सर। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है, शहर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब को क्या जवाब दूं मैं? आम आदमी तो क्या, बड़े से बड़े ओहदेदार की जान की हिफाजत करने में भी पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आखिर आप सब लोग कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर की नाकाबंदी हो चुकी है सर। मिस्टर कुरैशी, सर आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। सॉरी सर। आप एक काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर हैं। थैंक यू सर। आप पर भरोसा करके डिपार्टमेंट ने आप पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर सर इस केस की छानबीन मेरे हवाले की जाती तो अभी तक मुजरिम सलाखों के पीछे होते। एक मशहूर स्मगलर का केस आपको दिया गया था मिस्टर रणबीर, बात करते हैं, वो भी जेल से भाग चुका और आप कुछ नहीं कर सके। मिस्टर कुरैशी, आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? ये बहस का वक्त नहीं है। एडवोकेट वागरे और मिनिस्टर के मर्डर की वजह से डिपार्टमेंट की जो बदनामी हो रही है, ये एहसास आप लोगों को दिलाने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। May I come in, sir? जी आइए मिस्टर शेखर, मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आई वॉन्ट इमीडिएट एक्शन। यस सर। सर मिस्टर कुरैशी। हेलो हेलो सर, आप रुकिए। जी सर। गुड इवनिंग कमिश्नर साहब। बैठिए। शुक्रिया। और कहिए कैसे हैं आप? आई एम फाइन। फरमाइए कमिश्नर साहब, मुझे यहां बुलाने की खास वजह? खास वजह 19 फरवरी का मॉर्निंग स्टार, जिसमें आपने वागरे और मिनिस्टर के कातिलों के चेहरों पर पड़े नकाब तो बता दिए, लेकिन मैं चाहता हूं वो नकाब आप उठा दें ताकि हम मुजरिमों तक पहुंच सकें। मिस्टर शेखर, ये कुरैशी साहब हैं, वागरे और मिनिस्टर का केस इन्हीं को सौंपा गया है। अच्छा। मिस्टर कुरैशी। सर। ये मॉर्निंग स्टार के एडिटर मिस्टर शेखर है। हेलो। हाय कुरैशी। हाय शेखर साहब को कौन नहीं जानता सर, आपके पेपर के आर्टिकल से ही हमारे डिपार्टमेंट को काफी मदद मिलती है। आज की मीटिंग का रीजन भी 19 फरवरी का मॉर्निंग स्टार ही है। कमिश्नर साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा आज से 6 महीने पहले एक ब्रिज का हादसा हुआ था जिससे 200 लोग मौत के मुंह में चले गए थे और उस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर त्रिपाठी ही था और एडवोकेट वागरे त्रिपाठी के खिलाफ वो केस लड़ रहे थे। ओह माय गॉड, थैंक यू मिस्टर शेखर। मिनिस्टर साहब के कत्ल का राज भी खुल गया। मिनिस्टर साहब त्रिपाठी को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ थे। मिस्टर कुरैशी, ये बात तो जाहिर हो गई कि इन दोनों कत्ल के केसेस में त्रिपाठी का हाथ है। अब ये मालूम करो कि त्रिपाठी ये कत्ल किससे करवा रहा है। ओके सर, जल्द से जल्द मैं इस केस की छानबीन करके आता हूँ सर। थैंक यू मिस्टर शेखर, एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किल एक ही मुलाकात में हल कर दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है कमिश्नर साहब, इस देश को जालिमों और गद्दारों से बचाना हम सबका फर्ज है। मिस्टर कुरैशी। सर। इस केस का रिजल्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। अब आप जा सकते हैं। मुझे भी इजाजत दीजिए कमिश्नर साहब। जी बिल्कुल। चलिए कमिश्नर साहब। चलिए। आजा मेरी जान,
आजा। चल अंदर आजा। एक मिनट मेरी जान, अभी आया। ठहरो, तुम्हारा बेटा जाग जाएगा ना। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो गंदी नाली का कीड़ा है। पता नहीं कचरा कुंडी से उठा कर लाया था, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है। खैर छोड़ो इन बातों को, आज की रात मूड खराब मत करो मेरी जान। क्यों रो रहा है बच्चा? बाबा मुझे आज पता चला है कि मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में सब लोग अनाथ है बेटा। लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह तेरे माँ बाप को भी जाना था और वो चले गए। लेकिन बाबा मेरे माँ बाप मरे नहीं, उन्होंने अपने घर का कचरा समझकर कचरा कुंडी में फेंक दिया। ए मालिक, तू तो 70 माओं की मोहब्बत रखता है, लेकिन इस दुनिया की माओं को क्या हो गया है? क्या तूने इस दुनिया की ममता को उठा लिया है? वो कैसी माँ होगी बेटा, ये फूल जैसे बच्चे को कचरे में फेंक दिया। बाबा, इस दुनिया ने मुझे कातिल भी बना दिया। अब तुझे हिम्मत रखना होगा बेटा, अब रोना बंद कर दे, तुझे सिर्फ सच्चाई का साथ देना है, समझा? ये समझ ले, तुझे अब जालिम दुनिया का सामना करना पड़ेगा, अब फूल से तुझे फौलाद बनना है। रोते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं, इन आंसुओं के सैलाब को मत भा, जा बेटा जा, हिम्मत से काम ले, जुल्म का सामना कर, दुनिया तेरे खत्मों में रहेगी, जा जा। तेरा जग है, तू ही जाने क्या होगा अंजाम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चैन से तू क्यों सोता है? एक दिन तू भी देख ले आके दुनिया में क्या Thank you.
जग है तू ही जाने, ओ तेरा जग है तू ही जाने। बने हैं मतलब के बंदे दौलत के लिए सब जिंदा है, बने हैं मतलब के बंदे दौलत के लिए सब जिंदा है। खुद करते हैं पाप के धंधे कहने के लिए शर्मिंदा है। झूठ लगे तो देख ले आके, झूठ लगे तो देख ले आके, तू भी है बदनाम, तेरा जग है तू ही जाने, तेरा जग है तू ही जाने, क्या होगा अंजाम, क्या होगा अंजाम। मैसेज चैनल से नेहा बोल रही हूँ। हमारे साथ मॉर्निंग स्टार न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट मिश्रा शेखर जी यहाँ मौजूद हैं। देखने वाले सारे व्यूवर्स को मैं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज जो शहर के हालात बिगड़ रहे हैं, मैं इस बारे में जरूर कुछ कहना चाहूँगा। आप लोग तो जानते हैं, शहर में ब्रिज गिर जाने की वजह से 200 लोगों की मौत हो गई, और 200 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती। हमारे शहर के जो बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये लोग जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि रेती और सीमेंट में कोई भी ऐसी चीज ना मिलाएं जिससे इतने बड़े बड़े हादसे हो जाएं। कहीं आप शिवानी नगर के ब्रिज की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी ब्रिज की बात कर रहा हूँ। वो ब्रिज गिरने की वजह से 200 मजदूर मारे गए, इन सब का कौन जिम्मेदार है? कभी आपने सोचा? ब्रिज गिरने की गरीबों से बहुत प्यार है इसको, मारे गए उनके घर वालों, समझता क्यों नहीं ये, बताइए आप। और उसके बाद हमारे मिस्टर वागरे जो बहुत ईमानदार वकील थे, उनका दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है, फिर अचानक मिनिस्टर साहब का मर्डर, और आज तक खातिलों का पता नहीं चला, तो इनके पीछे भी कुछ बड़े लोगों का हाथ जरूर है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो हाथ किसका है। क्या आप इस बात का खुलासा करेंगे? जी हाँ, मैं इस बात का जरूर खुलासा करना चाहूँगा, मुझे इसी दिन का इंतजार था। और जो लोग सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से सुन लें, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, वागरे का मर्डर, मिनिस्टर साहब का मर्डर, इसमें सिर्फ त्रिपाठी का ही हाथ है। तो मैं आप चैनल्स वालों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस इंटरव्यू को ना कि इस शहर बल्कि ऑल इंडिया में बताएं, और मुझे बेहद अफसोस है इन सभी लोगों की मौत का। आखिरी वक्त आ गया है तेरा। ये थे हमारे मॉर्निंग स्टार न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट मिस्टर शेखर। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरे बीच में आता है। शेखर, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। शेखर, सीमा, सपने तो सपने होते हैं, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? नहीं शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जिस तरह काम करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बाबा, ठीक है, कल से मैं एक काम करता हूँ,
अपना प्रेस बंद कर देता हूँ और घर पर ही काम करता हूँ। तुम कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, तुम्हारे आने तक मैं घर का सारा काम करके रख दूंगा, ठीक है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, दूसरे लोग भी तो काम करते हैं, लेकिन वो किसी से झगड़ते तो नहीं? अरे मैं कहाँ किसी से झगड़ता हूँ। मुझे पता है तुम किसी से नहीं झगड़ते, लेकिन शहर के बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो तुम लिखते हो क्या वो कम है? सीमा तुम नहीं जानती, किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी देश के गद्दारों के खिलाफ। अगर मैं भी दूसरों की तरह अपने न्यूज़पेपर में गजल गीत या फिल्म में कॉलम लिखकर अपना पेपर चलाऊं तो तुम गलत समझती हो। तो तुम ही क्यों, तुमने कभी मेरे और डॉली के बारे में सोचा है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा शेखर? कुछ नहीं होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ और डॉली को स्कूल के लिए रेडी करो। जो मैंने कहा तुम्हारे भेजे में कुछ भी नहीं घुसा। शिट, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। सीमा ये क्या कर रही हो, अपना गुस्सा बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? तो फिर क्या करूं, मेरी घर पे कोई सुनता ही नहीं है। सोचती हूँ कुछ दिन माँ के घर चली जाऊं, जब बाप और बेटी दोनों को बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। डॉली सीधा ठहरना तो मैं मारूंगी तुझे। स्कूल में शरारत मत करना, क्या? ठीक से बैठ डॉली। अच्छा सुनो, शाम को घर जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा, कुछ खाने के लिए अच्छा बनाओ। डॉली बेड लगाओ बेटे। बाय डॉली। बाय मम्मी। बाय शेखर। बाय। हेलो। हेलो सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आशीष। सर आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इस वक्त त्रिपाठी हिल्स के बंगले पर है। हिल्स के बंगले पर आज शाम वहाँ जश्न हो रहा है सर। आज? जी हाँ सर। कितने बजे? आज शाम ठीक 6:30 बजे त्रिपाठी और उसके सारे दोस्त इसी जगह पर मिलने वाले हैं। अच्छा सर, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए और त्रिपाठी को गिरफ्तार कीजिए। बस मैं भी पहुँच रहा हूँ। सर प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। सर आओ कुरैशी बैठो। थैंक यू सर। त्रिपाठी के खिलाफ कुछ सबूत मिले? त्रिपाठी और उनके दोस्तों के खिलाफ मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वेरी गुड। इस अरेस्ट वारंट पे आपके सिग्नेचर चाहिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कुरैशी। मुझे त्रिपाठी सलाखों के पीछे चाहिए। अरेस्ट है। थैंक यू सर। त्रिपाठी साहब के खिलाफ इसे सबूत कहां से मिल गए हैं? मुझे त्रिपाठी साहब को बताना ही पड़ेगा। थैंक यू डार्लिंग। त्रिपाठी साहब आप कुछ कहते क्यों नहीं? 200 करोड़ फंसे हुए हैं और आप चुप हैं। त्रिपाठी साहब ये प्रोजेक्ट अगर हमें नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हर मीटिंग में आप चुप रहे, आज तो जवाब देना ही होगा वरना। खामोश। मदन एसीपी साहब को फोन लगाओ।
सेठ ऐसी गलती दोबारा मत करना। त्रिपाठी साहब से आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। आप लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वाघरे और मिनिस्टर का मर्डर तक करवा दिया, और अब ये एडिटर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप लोगों से जो कुछ भी कहना है मैं नेक्स्ट मीटिंग में कहूंगा। खैर छोड़िए, एंजॉय योरसेल्फ। तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी, हेलो। हेलो त्रिपाठी साहब। कौन? मैं रणवीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रणवीर। आपका अरेस्ट वारंट निकल चुका है। क्या बात कर रहे हो? कुरैशी आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। कब हुआ ये? अभी अभी कुछ देर पहले कुरैशी आपको अरेस्ट करने के लिए निकल चुका है। आप कुछ दिनों के लिए इस देश से निकल जाइए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मदन गाड़ी निकालो। जी सेठ जी। तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। गाड़ी रेडी है, चलिए। आशीष चलिए, चलो जल्दी बैग लेके आओ। You are under arrest. इंस्पेक्टर तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? एक पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम से बात कर रहा है। मेरे हाथ में पिस्तौल और जेब में अरेस्ट वारंट है। और मेरे पास हथकड़ी है। सीधी तरह से गाड़ी में बैठ जाइए। जानते हो इंस्पेक्टर तुम क्या कर रहे हो? आशीष एडवोकेट को फोन लगाओ। शहर के सबसे बड़े वकील का तो आपने मर्डर करवा दिया त्रिपाठी साहब, अब किसे बुलाऊं? क्या बक रहे हो? ओ समझ गया। अच्छा तो तुम पुलिस के मुखबिर हो। सुरेशी साहब इनका सारा काला पैसा इस बैग में है। बैग निकालिए। सुरेशी साहब इस बैग में त्रिपाठी साहब के सारे इलीगल कामों के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। कुरैशी साहब त्रिपाठी ने कुछ बताया? मैं जानता हूँ आशीष, त्रिपाठी बहुत खतरनाक और चालाक मुजरिम है, लेकिन आशीष त्रिपाठी ये काम करवाता किससे था? कुरैशी साहब आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले एक खतरनाक आदमी शहर के नामवर लोगों का कत्ल कर रहा था। शक की बिना पर एक जान नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया था। हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। त्रिपाठी उसी से काम करवा रहा था। आशीष ये जॉन रहता कहाँ है? वो चूना भट्टी में रहता है। ओके वेल डन आशीष, वेल डन, थैंक यू। अच्छा आशीष
आशीष तुम ये काम किस लिए कर रहे हो मुझे नहीं पता। जिसके खिलाफ तुम जा रहे हो वो बहुत खतरनाक लोग हैं। आशीष जी सर, तुम अपना ख्याल रखना। जी बिल्कुल। क्या है बच्चे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जाओ जाके कपड़े पहनो। एक छोटे से बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, सर। कल सुबह स्कूल जाना है, चुपके से सो जाओ। क्या वक्त हो रहा है पता है आपको? सीमा थोड़ा सा काम कर लेने दे यार, सुबह की न्यूज़ है। तुम ऑफिस में क्या करते हो? काम नहीं करते, जहाँ का काम वही किया करो। गुस्सा क्यों होती हो? अच्छा बाबा ठीक है, कल से ऑफिस का काम ऑफिस पर किया करूँगा और घर का घर पर। अब बताओ क्या करना है? मुझे सोना है समझे? डॉली को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। अच्छा बाबा ठीक है, चलो सो जाते हैं। ओके एक मिनट। हेलो, हेलो मिस्टर शेखर। यस, मैं इंस्पेक्टर सुरेशी बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे एक जरूरी काम निकल आया है। अच्छा, क्या आप कुछ देर के लिए शिवानी नगर पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके शेखर।
किसका फोन था शेखर? कुरेशी का फोन था, पुलिस स्टेशन से। अभी आने के लिए कह रहे थे। इतनी रात गए? अच्छा तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। ओके। किस वजह से तुमने अपने बाप का कत्ल कर दिया? आखिर वो क्या वजह थी? वो मेरा बाप नहीं था, उसने मुझे कचरे से उठाकर गंदे कामों पर लगा दिया था। माँ बाप ने मुझे पैदा किया वही मुझसे प्यार नहीं करते थे, तो ये क्या मुझसे प्यार करेगा? मैं भी डोरी की तरह स्कूल जाना चाहता था। इसी का फायदा उठाकर बाबा ने अपने बुरे आदतों को पूरा करने के लिए मुझसे दो खत्म करवाए। एक्सक्यूज मी जी, कहिए मिस्टर कुरैशी कहाँ है? आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। ओके, I will wait here. जी हाँ बैठिए। मुन्ना, कत्ल करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगता था? बाबा की बेबसी मेरे डर से कई गुना ज्यादा थी, वो चल नहीं सकते थे। मैं लोगों की गाड़ियाँ धोकर मेरा और बाबा का पेट पालता था। तुम्हें पता कब चला कि वो तुम्हारा बाप नहीं था? एक दिन बाबा ने एक बुरी औरत को घर लाया, उससे कह रहे थे कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। मैं बाबा को सिर्फ अपाहिज समझता था, लेकिन बाबा चालबाज निकले। हाँ, पढ़ाई कर रहा है? नहीं बाबा। घबरा मत, तू पढ़ाई करना चाहता है, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। अब हमारे दिन बदल गए रे। बस एक काम बाकी है मुन्ना, तू वो काम कर दे फिर देख, हम यहां से कहीं और चले जाएंगे। आ मेरे पास आ। बस मेरा एक आखिरी दुश्मन बचा है, बस इसका काम कर दे फिर देख अपनी जिंदगी कैसे बदलती है। इस डॉली के पापा है, तू जानता है? हाँ। तो काम और आसान हो गया अपना। ले। ये काम मैं नहीं करूंगा। तुझे करना होगा, तू बस एक काम कर दे, अपने सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। ये भेजे में उसका रिलेशन मत रख। डाली 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 कुछ नहीं है। हाँ चल पकड़ ये ले। क्या बोला, समझ गया ना? एक काम, आखिरी काम मुन्ना, मैं तेरे लिए इतने खिलौने लाऊंगा। ठीक है, तू मत कर, इसका गेम मैं बजाऊंगा। बाबा ये काम मैं तुम कभी करने नहीं दूंगा। तुमने मुझे इसी खिलौने से खेलना सिखाया, आज मैं इसी खिलौने से खेलूंगा। अच्छा ठीक है चुप हो जाओ। तुम्हारे बाबा किसके लिए काम करते थे? मुझे कुछ नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपसे मिलने के लिए मॉर्निंग स्टार न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट मिस्टर शेखर आए। हाँ उन्हें बिठाइए। हाय मिस्टर शेखर। शेखर अंकल। आ, 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 आ,
कुरैशी साहब, मुन्ना यहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शेखर, तुम इस लड़के को कब से जानते हो? यही कोई 6 महीने से। 6 महीने से? जी हाँ, इस लड़के ने मेरी लड़की की हिफाजत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। ओ। डॉली की मम्मी और मैं इसे बहुत चाहते हैं। बेटा एक मिनट जरा यहाँ बैठो। शेखर एक मिनट मेरे साथ अंदर आओ। शेखर अंदर आओ। त्रिपाठी का अगला निशान आप थे मिस्टर शेखर। त्रिपाठी ने आपके नाम की सुपारी जॉन को दी और जॉन ये काम मुन्ना से करवाना चाहता था, लेकिन आपको बचाने के लिए मुन्ना ने अपने बाप को मार डाला। इस बच्चे ने पेशावर मुजरिम जॉन को मारकर बुराई को मारा है। कुरैशी, तुम्हें याद होगा कमिश्नर साहब की मीटिंग के वक्त मैंने उन्हें कुछ हिंट्स दिए थे। हाँ, मुझे पूरा शक था मिनिस्टर साहब और एडवोकेट वागरे का खातिल त्रिपाठी ही होना चाहिए। कहीं ये लड़का मिनिस्टर साहब और वागरे का खातिल तो नहीं है? बिल्कुल ठीक। डोंट वरी शेखर, जो होना था हो गया। अब हमें आगे सोचना है, क्या करना है। इसका मतलब है ये काम मुन्ना से जबरदस्ती करवाया जाता था। इस बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाकर इसके बाप ने इसे खातिल बना दिया। वो लड़का इतना मासूम है, उसे देखने के बाद हर कोई इससे प्यार करने लग जाता है। और अभी इसकी मासूमियत और इसका जमीर जिंदा है और हमें इसे जिंदा रखना चाहिए। सही कहा आपने, दुनिया ने इसके साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन उन्हें तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। शेखर, बच्चा अभी मासूम है, नादान है, इसका जिम्मेदार तो त्रिपाठी है। बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये त्रिपाठी के पीछे तो मैं बहुत दिन से पड़ा हूँ। शेखर, अगर तुम चाहते हो त्रिपाठी से मिलना तो मिल सकते हो, क्योंकि वो अभी मेरी हिरासत में है। त्रिपाठी यहाँ है? बिल्कुल, उससे तो मिलना ही पड़ेगा। कुरैशी, चलो मिलते हैं। श्योर। आप अपने आप को समझते क्या है? मैं अब तक आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। मैंने जो पूछा उसी का जवाब दीजिए। आओ कुरैशी, बैठो। गुड इवनिंग सर। कम इन, बैठिए। हेलो। हेलो शेखर, सिट डाउन। कुरैशी, अब तुम संभालो इन्हें। और क्या हाल है त्रिपाठी साहब? वो सब कुछ मिल गया जो आप चाहते थे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अपनी मनमानी करोगे और हम सब चुप रहेंगे। मिस्टर त्रिपाठी, याद रखो, हमारे मुल्क की पुलिस और मीडिया की ताकत के डंके सारी दुनिया के कोने कोने में बजते हैं, समझे? तो तुमने क्या समझा, एडवोकेट वागरे और मिनिस्टर साहब का कत्ल करवा कर तुम छूट जाओगे? अरे तुमसे तो वो लड़का अच्छा है जिसने इंसानियत को बचाने के खातिर खुद अपने बाप का कत्ल कर दिया। लानत है तुम जैसे लोगों पर जो अपने आप को हिंदुस्तान के इज्जतदार लोगों में अपना शुमार समझते हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम लोगों का शुमार इंसान तो दूर जानवरों में भी नहीं है, ऐसे लोगों का तो इनकाउंटर कर देना चाहिए। शेखर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो एक जर्नलिस्ट नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। कुरैशी साहब जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। त्रिपाठी साहब की खातिर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर शेखर, इनके खातिर में कोई भी कमी नहीं होगी। चलिए। कुरैशी, त्रिपाठी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए
कि हर मुजरिम का दिल काम जाए। मिलेगी शेखर, मिलेगी, जो करेगा उसे भरना तो पड़ेगा। मुन्ना तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तुम डॉली के साथ रहोगे। कुरेशी अंकल तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। तो मैं चलता हूँ। ओके शेखर, चलो बेटे। सीमा, डॉली का दोस्त मुन्ना पुलिस की हिरासत में है। क्या क्या कहा? क्या मुन्ना पुलिस की हिरासत में है? क्या किया उसने? उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। नहीं शेखर, पुलिस को गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं कर सकता। सीमा, पहले मैंने भी यकीन नहीं किया, लेकिन ये सच है। मुन्ना बहुत मासूम है। हाँ सीमा, इसी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके बाप ने उससे दो खून करवा दिए। मेरी कहानी? आज मैं दुनिया को ये बता दूंगा कि मैं एक अच्छा कलाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छा राइटर भी हूं। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी कहानी पर कोई प्रोड्यूसर पैसे लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आज मेरी कहानी इस पेपर में छप गई है, मैं इतना खुश हूं। अब मैं उन्हें बता दूंगा मेरी कहानी हकीकत से कितनी मिलती जुलती है। देखो देखो इस अखबार में जो कहानी छपी है वो कहानी नहीं एक हकीकत है। राज साहब, अखबार में छपने वाली कहानियां सिर्फ कहानियां होती। नहीं, ये मेरी कहानी है और ये हकीकत है, आपको पता नहीं? ये कहानी आपकी? हाँ, तुम्हें याद है एक लड़के के ऊपर मैं कहानी लिख रहा था। हाँ। उसी तरह एक लड़के को शूटर कचरे के डिब्बे से उठाकर पालता है और उससे वही काम लेता है जो मैंने अपनी कहानी में लिखा है। अच्छा, लेकिन इस लड़के ने उसी शूटर को गोली मार दी। मेरी कहानी का ये एक नया मोड़ है। अंजुम भाई, मैं इस लड़के की पूरी कहानी जानना चाहता हूँ, पता लगाइए ये रहता कहाँ है। ठीक है राज साहब। हाय अजाज। हेलो शेखर, अंदर आ जाओ और कहो कैसे हो यार। बड़े दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई यार, बैठना। एक जरूरी काम निकल आया। अच्छा अब बता तेरा जरूरी काम क्या है। एजाज, तूने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मुन्ना नाम का एक लड़का 3 कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है। हाँ तो? एजाज, मैं उस लड़के को अदालत से लेना चाहता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ तेरा उस लड़के से क्या रिश्ता है? मोहब्बत और प्यार का। ये लड़का डॉली का दोस्त है। पहले तो उसने डॉली को बचाकर मुझ पर एहसान किया और मेरी जान बचाने के लिए उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। यार एजाज, मैं इस लड़के को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ, तू मेरी मदद करेगा ना? तू कैसी बातें कर रहा है? मैं पेपर पढ़ने के बाद मैं इस लड़के के बारे में ये सोचा था कि आज के माहौल की तरह ये लड़का भी बिगड़ा हुआ होगा, लेकिन इसकी स्टोरी तो अलग है। जब इस लड़के ने तेरे को और डॉली को बचाया तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि इस लड़के के लिए मैं भी कुछ करूं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तू परेशान मत हो यार, जो होगा देखा जाएगा। तू कल अदालत में मिल, एक पॉइंट है उस पर हम लड़ेंगे, तू बेफिक्र हो जा, मुझे यकीन है ये केस हम जरूर जीतेंगे। राज साहब नमस्ते। अंजन साहब, कहानी का कुछ पता चला? हाँ, आप लिखिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है।
आइए। लिखिए, उस लड़के को कचरे के डिब्बे से उठाने के बाद वो आदमी उसे लेकर अपने घर गया और ले एक मिनट, उसने क्या कहा? अंजुम साहब, आप मुझे बताइए, मुझे कहानी में अभी तक इसका अंत नहीं मालूम पड़ रहा है, इसके बाद क्या हुआ, आप मुझे बताइए प्लीज। इसका अंजाम तो वही बता सकते हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, मिस्टर शेखर, मॉर्निंग स्टार न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट। अंजुम साहब, पता नहीं इस कहानी का अंत क्या होगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एडवोकेट वागरे, मिनिस्टर का कत्ल और सीमेंट में मिलावट की वजह से 200 आदमियों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए ये अदालत त्रिपाठी को मुजरिम करार देती है और मुजरिम त्रिपाठी को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत ये अदालत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। पेशावर मुजरिम जॉन की तलाश पुलिस को एक अरसे से थी और मुजरिम जॉन के दबाव में आकर मुन्ना ने एडवोकेट वागरे और मिनिस्टर का कत्ल अपनी कम उम्री और नासमझी में किया और जर्नलिस्ट शेखर को बचाने के लिए मुन्ना ने पेशावर मुजरिम जॉन का ही कत्ल कर दिया। अदालत ये समझती है कि मुन्ना को सजा से ज्यादा अच्छी परवरिश की जरूरत है। जर्नलिस्ट शेखर की जमानत पर यह अदालत मुन्ना को रिहा करती है और जर्नलिस्ट शेखर को यह हुक्म देती है कि हर महीने की पहली तारीख को हाजिरी देने के लिए मुन्ना को अदालत में पेश किया जाए। यार कुरैशी, आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शेखर, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हम सबका फर्ज था। और यार एजाज, तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में सारा उथल पुथल कर दिया, वेरी गुड। चले? ओ श्योर, लेट्स मूव। हेलो मिस्टर शेखर। आप कौन? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप वही है ना जो मुन्ना नाम के लड़के का केस लड़ रहे हैं? हाँ जी हाँ। श्रीवास्तव साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सर आइए। मीट मिस्टर शेखर। हेलो मिस्टर शेखर। हाय हाय बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता सर। अरे आपको कौन नहीं जानता जी? सर, हम लोग तो आपको हर वक्त टीवी, रेडियो, फिल्म जी और अवार्ड फंक्शंस पर देखते आ रहे हैं। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मिस्टर शेखर, आप जिस बच्चे का केस लड़ रहे थे मुझे उसकी पूरी कहानी चाहिए। अगर आप हेल्प करें तो मैं इस कहानी पर पूरी फिल्म बनाना चाहता हूँ। श्रीवास्तव साहब, आप सबसे पहले इस कहानी के मेन किरदार से तो मिल लीजिए, यही वो लड़का है मुन्ना। ओह माय गॉड, मुन्ना, तुम्हारी आजादी तो मेरी कामयाबी है। मुन्ना, तुम तो मेरी कहानी के हीरो हो। ओह माय गॉड। श्रीवास्तव साहब, इस कहानी के दूसरे किरदारों से भी मिलिए। क्यों नहीं, ये है मिस्टर कुरैशी। हेलो। आदाब। जिन्होंने त्रिपाठी को जी सलाखों के पीछे पहुंचाया। वेरी गुड। कुरैशी साहब ने पुलिस ऑफिसर होकर नहीं बल्कि मुन्ना की हमदर्दी में इतना सब कुछ किया। और ये है एडवोकेट एजाज जो मुन्ना के केस की पैरवी कर रहे थे। इन्होंने कानून की किताबों से ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले जिससे मुन्ना आजाद हो। अच्छा? और इनका इंट्रोड्यूस तो कराना मैं भूल ही गया, ये है मेरी धर्म पत्नी सीमा मल्होत्रा। नमस्ते जी। इसी की ममता ने मुझे इतनी हिम्मत दिलाई जी कि आज मैं मुन्ना को छुड़ाने में कामयाब रहा। आप लोगों ने सब इस कहानी में जो किरदार निभाया है, अगर मेरी फिल्म में आप लोग सब मिलकर काम करें तो मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये सब नहीं कर सकते। रास्ता भी काम आपका है, आपको ही अच्छा लगेगा।
हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है लेकिन शेखर साहब, आप मुझे इस लड़के की पूरी कहानी देंगे? अच्छा श्रीवास्तव साहब, ठीक है, मैं आपको इस लड़के की पूरी कहानी बता दूंगा, आप तो ठीक है। शेखर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो इस लड़के को मैं गोद लेना चाहता हूँ, इसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। शेखर साहब, ये लड़का आप लोगों के पास ही खुश रहेगा। लेकिन शेखर साहब, ये कहानी, ठीक है, मैं आपकी कहानी आप तक पहुंचा जरूर याद रखिए। ओके, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, आदाब, आदाब। चलिए जी। बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस। इस लड़के का कुछ सामान रह गया है, इसका क्या करना है? इसे कहीं फेंक दो। ठीक है, रहने दो। ठीक है साहब। पल में टूट जाए, जुल्मों की